रशिया जो है चाइना के बाद जा रहा है इंडिया को डाइवर्सिटी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के मटेरियल चाहिए इनफैक्ट ये तो सिर्फ बीच का स्टेप है होंगे अपने सारे वेपन फिर किसी का कुछ नहीं चाहिए अपने इंडिपेंडेंटली खड़े हो जैसे रशिया है रशिया क्या डिपेंड करता है किसी और के लिए वेपन्स के लिए नहीं करता चाइना करता आजकल कर चाइना भी किसी पर डिपेंड नहीं करता तो उसी स्टेट पर आना कि हम किसी पर डिपेंड नहीं होते वेपन्स के लिए हमारे खुद बनते हैं स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आज फिर मेजर साहब चाणक्य डायलॉग्स का मिक्स रिएक्शन देखने वाले हैं हम और इस वीडियो में मेजर साहब पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपटो तो उन्होंने कह दिया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम पे सैलरीज भी नहीं मिलेंगी और जो हम जर्मनी और रशिया के साथ जो वेपन्स की डील कर रहे हैं उसके बारे में भी साथ डिस्कस करेंगे और जो खालिस्तान वाले जो अभी बहुत ही कूद रहे उसके, उसके भी थोड़ा में साथ बात करने वाला है। तो शुरू करते आज का मिक्स रिएक्शन ये कहाँ की बात है कि तुम हमें गाली भी दो और तुम हमसे पैसे भी मांगो निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है सब काट दो नल ऑफ कर दो पाकिस्तानियों को लोग बहुत इंडिया में कह रहे हैं ना जो दिल टाइप के यहाँ पे कि सफरिंग एंड आई थिंक वी शुड शुड हेल्प हेल्प तुझे भीख मिली है तू उसमें खुशियां भंगड़े डाल रहा है लुडिया डाल रहा है आजकल के बच्चे इंडिया वाले जो अमेरिका और वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लोग एक बात नहीं समझते रशिया ने हमारी तब हेल्प हिंद दोस्तों मैं हूं मेजर वाली और आप देख रहे हैं तो डायलॉग्स

घेरना है या उसको आपने इरेवेंट करना है ठीक हाँ. है तो मैं आपको बताता हूं ये तो जो मेरा फौजी दोस्त है ना इसने टिपिकल फौजी वाला इसने क्योंकि ट्रेनिंग वैसी होती है फौज में कि ये कर देना चाहिए ऐसे करो ऐसे करो देखो ना इसके ऊपर आपने सेंट्रल एजेंसीज लगानी है अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं जो खालिस्तान की बात कर रहा है पंजाब में ना वारिस पंजाब दे ऐसी जाएगा फ्रॉड अपना शुरू करा है तो ना इसके ऊपर आपको सेंट्रल एजेंसीज लगानी है ना इसके ऊपर सीआरपीएफ पुलिस लगानी है ना इसके ऊपर लाठीचार्ज करना है आपको सिर्फ एक एक काम करना मैं आपको बताता हूं एक महीने के अंदर यह बंदा ना अस्सी से लेकर नब्बे खत्म हो जाएगा वो क्या अस्सी से लेकर नब्बे खत्म हो जाएगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सबसे बड़ी बात इसमें है क्या मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ को कभी मत काटो पेड़ को कभी मत काटो पानी बंद कर दो बस इतना यकीन कर लो कि पेड़ में कोई पानी ना दे उसको पानी देना बंद कर दो तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा इसका पानी क्या है अमृतपाल सिंह का कोई भी टेररिस्ट या मिलिटेंट या कोई भी इस तरीके का बंदा होता है उसका पानी क्या है उसका पानी मीडिया है उसका पानी मीडिया है उसका पानी टेलीविजन कैमरा है वो उसकी खुराक है उसकी खाद है उसी से जड़ें मजबूत हो रही हैं अब मैं देख रहा हूं कि उसके घर पे

हमारे मीडिया के थ्रू जाएगा अगर मीडिया ये प्रण कर ले अगर मीडिया आपस में ये बात कर ले ठीक है hmm. सबसे सब बड़ी बात कि अगर हमसे कोई पूछेगा यानी कि भारतीय मीडिया से पूछेगा कि अमृतपाल सिंह तो हम बोले कौन है यार, हम तो कौन को। इस लेवल तक इसको इग्नोर करो कवरेज नहीं दे चाहे प्रिंट हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो डिजिटल हो कोई भी हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा मतलब टेलीविजन कोई भी हो सिंपली इग्नोर दिस मैन एज इफ ही डज नॉट एग्जिस्ट आपका सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा एक महीने के अंदर आप जितना तवज्जो देंगे उतना बड़ा यार देखो ना एटीज में जब भिंडरा वाले को बड़ा करा था तब तो ये सब सोशल मीडिया सोशल मीडिया टीवी इतना था नहीं दूरदर्शन का एक चैनल था भिंडरा वाले को मारा हर चीज टेलीविजन पे आई हर चीज पेपर पे आई और भिंडरा वाले इतना बड़ा भूत बन गया कि आज तक वो भूत जो है वो सताता है जिसके नाम पे पूरा खालिस्तान का ये तमाशा ये फरेब 400 बीसी कर रहे हैं लोग कनाडा में कर रहे हैं लंदन में कर रहे हैं कहीं पर भी कर रहे हैं क्यों मैं आपको बताता हूं यह सबसे बड़ी बात जहां पे जहारिजम हो जहां पे वहां से सबसे पहले आप टीवी के कैमरे हटा दो और पुलिस को बोलो तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है अमृतपाल सिंह जैसे इग्नोर हिम इग्नोर हिम इसके, पास मैं इसको कोई आई को, तो मतलब आर करो, करो जो करना है आपको करो जो कानूनी कार्रवाई है वो करते रहो लेकिन बल का प्रयोग मत करो इसको सिर्फ मीडिया से इग्नोर कर दो मीडिया ही इसकी खुराक है मीडिया ही इसका पानी है मीडिया ही इसका खाना पीना है मीडिया ही की वजह से पेड़ इतना बड़ा हो रहा है पब्लिसिटी टेलीविजन कैमरा हटाओ अमृतपाल सिंह डायरेक्टली ऊपर उसके जीत ना पाएगा जादूगर की जान तोते में भैया ध्यान रखना अच्छा अच्छा दोस्तों है। चलते हैं अमेरिका और अमेरिका से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है निकी हेली निकी जो, जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हैं वो भारतीय मूल की हैं इंडियन अमेरिकन हैं और उनका ये कहना है निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेडर मैं कोट कर रहा हूं एज एम्बेडर आई स्ट्रॉंगली सपोर्टेड प्रेसडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन टू कट नियरली टू बिलियन ऑफ मिलिट्री एड टू पाकिस्तान बिकॉज दैट कंट्री सपोर्ट टेरिस्ट हु किल अमेरिकन ट्रूप्स

विवेक रामास्वामी ये भी वाइस ऑफ इंडिया ने दो तीन नाम है सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने पाकिस्तान चलो निकी हेली यह भी कहती है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स आर गिविंग मनी टू कॉम्युनिस्ट चाइना चीन को भी पैसे दे रहे हैं ये लोग फॉर रिडिकुलस एनवायरमेंटल प्रोग्राम डिस्पाइट द दस थे चाइना पोजेस टू अमेरिकन वी गिव मनी टू बेलरूस विच इज रशियन डिक्टेटर व्लाडिमिर पुटिन क्लोजेस्ट एल वी गिव मनी टू कॉम्युनिस्ट क्यूबा कंट्री आर ओन बात ही मार रहे हैं, वो तो रहे हैं पाकिस्तानी आप सड़क पर जाओ किसी आम पाकिस्तानी से बात करो किसी भी आम पाकिस्तानी से जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर उस पेट में भर रखे हैं सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पर होती है दोस्तों किसी भी एम्बेसी में देख लो ना दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानी अमेरिका भाग दें चक्कर में भी डॉलर मिल जाए अमेरिका भाग जाए डॉलर मिल जाए किसी भी यूके भाग जाए लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं एंटी अमेरिकनिज्म पूरा इमरान खान का जो प्लेटफॉर्म है वो तो एंटी अमेरिकनिज्म का है कि बाहरी साजिश है बाहरी साजिश है अमरीका की साजिश है क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी फॉर सम रीजन हेट अमेरिकन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अमरीकनों से उनकी नफरत क्या है लेकिन अमेरिकन से नफरत करते हैं उनके पैसे भी खाते हैं दोस्तों पिछले पिछहत्तर पिछ साल से जो पाकिस्तान है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स पर पला बड़ा है वो हराम के डॉलर्स हैं हराम के उसको खा खा के पाकिस्तानियों के मोटे मोटे गले मोटी मोटी मुछे और दाड़ियां इतने मोटे मोटे पेट और यही लोग सड़क पे आके अमेरिकन को गाली देते हैं और यही निकी हेली कह रही है कि भाई एक बात बताओ यार ये कहां की बात है कि तुम हमें गाली भी दो और तुम हमसे पैसे भी मांगो सही बात बहन बिल्कुल ठीक चल रही है सब काट दो, दो नल ऑफ कर दो ये हम तो नहीं दे रहे सभी को पाकिस्तानियों को लोग बहुत इंडिया में कह रहे हैं जो दिल जले टाइप के यहाँ पे पाकिस्तानी ठीक <laughs> really है किसी कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है पहले बोला बेटा लाइन पे आओ पहले इंसान के बच्चे बनो तब जाके हेल्प मांगना फिर हम सोचेंगे ठीक है इनका वो हाफिज सईद जिसको इन्होंने जेल में डाला था इकतीस साल के लिए वो खुला दंडनाता घूम रहा है अभी दो दिन पहले की खबर है हाफिज सईद जिसको कह रहे थे कि भाई 31 साल 31 के लिए जेल में डाल दिया अब तो मरा ही ही निकलेगा बाहर जैसे से निकले तो वो भी दंडनाता फिर रहा है हाफिज सईद सैयद सलाउद्दीन भी दंडनाता फिर रहा है वो कह रहे हैं बशरत पीर पता नहीं वो हिजबुल मुजाहिदीन का उसको गोली मार दी तो पाकिस्तान में कह रहे हैं उसको उसको दफना रहे हैं पाकिस्तान में हमने कल कवर करा था यार मुझे एक बात बताओ ये पाकिस्तान में कर क्या रहा था बशरत पीर ये ये तो कश्मीर का रहने वाले तुम्हारे पाकिस्तान में क्या कर रहा है फिर तुम कहते हो नहीं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है दुनिया साजिश करती है हम तो बड़े शरीफ हैं और शरीफ वरीफ नहीं हो तुम सबसे बड़ा कांड तुम ही करते हो पूरी दुनिया में ठीक है जी तो फिर हम शरीफ हैं वही आपको मार अच्छा पाकिस्तान में एक और ड्रामा हो गया है अब क्या हुआ मिनिस्ट्री ने बोला फाइनेंशियल अच्छा, रेवेन्यूज को यह बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने कि आप सबकी तनख्वाहें बंद कर दो ठीक है तो। उन्होंने बाद में बोला कि नहीं झूठ है इशाकडर ने बोला कि नहीं साहब ये तो झूठ है और ये है वो है फ्रॉड है फरेब है लेकिन <laughs> पाकिस्तान में यह डर का माहौल बन रखा है और ये डर अच्छा है होना भी चाहिए अब कह रहे हैं तनखाएं रुक गई डर अच्छा है <laughs> ये कह रहे हैं तनखाएं रुक गई हमारी इस बार हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी यानी कि फरवरी की तनख्वाह जो पहली मार्च को मिलनी थी वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी ऐसा जियो न्यूज कह रहा है लेकिन इशाक डर कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सुनने में आया है कि फौज की तनख्वाहें और फौज की पेंशन चलती रहेंगी और वो नहीं रुकेगी जो बाकी लोग हैं उनसे बोलेंगे कि यार तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी सी देर में देंगे हो सकता है बाद में दें सात तारीख को दस तारीख को लेकिन पहली तारीख को नहीं मिलेगी ऐसा पाकिस्तान में चल रहा है देखिए आगे क्या होता है राइट सही नहीं है तो फिर। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बोलना चाहता हूं मैं कि देखो आज ये बात हो गई है कि तुम्हारी तनख्वाहें रुक रही हैं चलो आज नहीं रुकेंगे लेकिन कल परसों जरूर रुक जाएंगे एक दो महीने बाद रुक जाएंगे जब तक तुम लोग ये कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे ना बॉस जब तक तुम कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे तुम्हें ऐसे ही दर्द पहुंचता रहेगा अभी चीन ने तुम्हें 700 मिलियन डॉलर दिया अब ये देखो ऐसे कार्टून दे नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान में <laughs> आ, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं इसका ठीक है ये ट्वीट देखिए इशाकगढ़ का अलहमदल्ला फंड सेवन हंड्रेड मिलियन रिसीव टुडे बाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक इसमें अलहमदुल्ला की क्या बात है तेरे को भीख मिली है भाई इंडस्ट्री तुझे भीख मिली है तू उसमें खुशियां मना रहा है भंगड़े डाल रहा है लुड़िया डाल रहा है हमको भीख मिल गई ये ये कैसा ड्रामा है यार ये कैसा ड्रामा है तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर हमें कोई भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो अगर हमें देता ना तो हम मुंह छिपाए फिरते यार कि पड़ोसी क्या मांगने बोल कि भीख मांग रहा है तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो ट्विटर पर दुनिया को बता रहे हो कि कितने बड़ा भिखारी हो इंटरनेशनल भिखारी है और ये शाक डर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का ये देखिए अलहमदुल्लाट्री हमें इतने पैसे, पैसे मिल मिन गए ठीक है <laughs> एक जर्मनी से ना बड़ी अजीब गरीब चीज चल रही है जर्मनी में जर्मनी को ये तो पता ही है कि इंडिया और रूस जो है वो बहुत क्लोज है क्लोज है और आज से नहीं पचहत्तर साल से बड़े क्लोज हैं अब जर्मनी ये ट्राई कर रहा है कि कैसे रूस से भारत को बाहर निकाला जाए सभी रूस के इन्फ्लुएंस है या भारत का जो रूस पे इंफ्लुएंस है रूस का भारत पे इंफ्लुएंस है उससे निकाला जाए और भारत को भी यह पता है कि यह काम पीछे से चल रहा है इसने बोला है जर्मनी ने कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप रशिया के इंफ्लुएंस से बाहर निकलें और हमें पता है कि आप क्यों रशिया के इन्फ्लुएंस में तो जर्मनी का यह मानना और दुनिया का मानना है काफी हद तक ऐसा ही भी है कि भारत का जो वेपन इक्विपमेंट है ना पूरा अपना रह, जो हमारी फौजी साजो सामान है वो दैट इज अराउंड सिक्सटी या सेवेंटी ऐसी कुछ है यह रशियन ओरियन कर अब रशियन ओरिजिन का जो साजो सामान है अब आप रूस से अगर बना के नहीं रखेंगे तो वो तो कबाड़ हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके रिप्लेसमेंट चाहिए होंगे ये तो चलो ठीक है आपके सुखोई है आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और थोड़े बहुत से आपका काम चल गया लेकिन बाकी इक्विपमेंट है आपको रशिया की हेल्प चाहिए तो इतना आसान नहीं है दूसरी चीज ये है कि यार कई लोग ना आजकल के बच्चे इंडिया वाले जो अमेरिका और वेस्ट से बहुत ज्यादा इंफ्लुस्ट है वो लोग एक बात नहीं समझते कि रशिया ने हमारी तब हेल्प करी थी जब दुनिया ने हमारी हेल्प नहीं करी थी रशिया स्टूड विथ इंडिया वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट इंडिया वन अमेरिका वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया वेन द वेस्ट वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया जेरिका ने बोला था नाइन सेवेंटी वन वॉर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे और यह भेजेंगे, भेजेंगे तो अपनी संबंधी भेज के अमेरिका को रोका किसने था रूस ने रोका था मैं उन्नीस सौ इकहत्तर की वॉर की बात कर रहा हूं ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ थे तो ठीक है आप वेस्ट से भी अपने संबंध बनाए आप रिलेशनशिप बनाए वेस्ट से जर्मनी से बनाए अमेरिका से बनाए लेकिन डोंट डोन्ट यू नो डीलिंक विथ रशिया मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ऐसा सोच रही है सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी लेकिन ये बात मैं उनको कह रहा हूं ना जो यंग बच्चे हैं जो कहता यूएस यूएस रिलैक्स जब गोलियां चलती है ना तब पता लगता है असली दोस्त कौन है mm -hmm. और जब हमारे यहां गोलियां चली थी तब हमें पता लग गया था असली दोस्त कौन है यस वी विल डील विद जर्मनी ऑफकोर्स वी विल डील विद जर्मनी

जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जर्मनी टू परस्यू फाइव पॉइंट पंडुबिया बनानी है जर्मनी इंडिया से कह रहा है कि हम आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे इंडिया ने बोला ठीक है भाई पैसा आप ले लो लेकिन दे विल बी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर वन नंबर टू ये सारी छह की छह सबमरीन जो है भारत में बनेंगे. भारत बनेगी ऑल राइट ये कहां समरी बनेंगी ये बनेंगी भारत में भारत तो ये सबमरीन भारत में बनाने के लिए जर्मनी अग्री हो गया है पांच दशमलव दो फाइव पॉइंट टू अरब यूएस डॉलर की डील है फाइव पॉइंट टू बिलियन की और ये होने वाला है ये आ, परस्यू कर रहा है होपफुली जल्दी क्लोज हो जाएगा और ये छह सबरी बनाएंगे पाकिस्तान के पास इतना रिजर्व नहीं है सबमरी का ही एक और है कि एक और खबर आई है कि रशिया ने भी ऑफर करा है इंडिया का जो प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव है ना नेवी वाला उसके लिए रशिया ने भी बोला है कि जॉइंट डेवलपमेंट है हम लोग करेंगे आपके साथ बैठ के और वी रशिया हैज ऑफर्ड दैट अमूर 1650 लाइक समरीन विद 80 परसेंट लोकलाइजेशन तो ये लिखा है कि रशिया एज ऑफ टू जॉइंटली डेवलप विथ इंडिया नॉन न्यूक्लियर समरीन बेस्ड ऑन द रशियन अमूर सिक्सटीन फिफ्टी समरीन आफ्टर इट स्टेट दैट नॉट बी बिडिंग फॉर इंडिया एम्बिशियस प्रोजेक्ट सेवेंटी और पी सेवन डीजल समरीन प्रोजेक्ट इसने बोला कि हम इसके लिए बिडिंग तो नहीं करेंगे लेकिन हम भारत के साथ को डेवलपमेंट करने को तैयार हैं क्योंकि देखिए मैं आपको बात बताता हूं के के। चीन को रोकना है ना चीन को रोकना आर्मी तो रोकेगी वहां पर हाँ। एयरफोर्स भी रोकेगी लेकिन चाबी नेवी के पास है आप ये कभी मत भूलिएगा चाबी नेवी, 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 नेवी के पास है जादूगर की जान तोते में तोते में और तोता कहां पर समुंदर समुंदर पर अगर आप चीन पर हावी हो गए चीन की सांस रुक जाएगी गला सूख जाएगा चीन का इतना आप समझ लीजिए तो इसलिए प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है जो इंडियन नेवी ने करो ना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर करेंगे बड़ी ने ने तेजी से मामला चल रहा है नेवी से। एक आखिरी खबर आज की मैं आपको देना चाहता हूं रिवाइवल ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम कॉस्टली एज वीकली इन्फ्लेशन फोर्टी टू 41.54 पहले 38.7 था याद है हमने पिछली बार आपसे डिस्कस करा था हफ्ता भर पहले थर्टी एट पॉइंट सेवन था एट पॉइंट फाइव था अभी फोर्टी वन पॉइंट फाइव फोर हो गया है तो इसमें तो बेड़ा ही गर्क हो गया पाकिस्तान का अब हर चीज जो है ये महंगी हो गई मैं आपको बता देता हूं वीक ऑन वीक इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गैस फॉर क्वार्टर वन वन हंड्रेड परसेंट सिगरेट सेवेंटी बनाना सिक्स चिकन 5.27, शुगर 3.37, कुकिंग ऑयल पांच लीटर का 3.07 वेजिटेबल घी, 2.5 केजी का 2.79 परसेंट वेजिटेबल घी वन केजी, 2.20 एंड प्रिपेयर्ड टी 1.09 सभी के प्राइस बढ़ गए हैं क्या खाएंगे और क्या पीएंगे इतने महीने में खेलोगे ये और ये सारा का सारा, सारा पता किसके लिए ड्रामा चल रहा है सिर्फ एक दशमलव एक अरब यूएस डॉलर के लिए ओनली only for बिलियन लेकिन पाकिस्तान कि 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 कितना बेड़ा गर को रखा है इस पूरे मुल्क का इन्होंने कर दिया कि almost, इनका inflation uh, हो गया। 4 actually, इनका इन्फ्लेशन बढ़ गया यार वीकली इन्फ्लेशन अब आप समझ लीजिए जो आम पाकिस्तानी है उसकी नाक से ना लकीरें बनवा रहे हैं ये लोग पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं लीडर्स हैं पाकिस्तान के ना पाकिस्तानी कौम को रगड़ दिया रगड़ दिया पूरी तरीके से रगड़ दिया उन्होंने पाकिस्तानी कौन को और फिर भी पाकिस्तानी कौन ना इसको समझ में नहीं आ रहा हिंदू की साजिश है यहूदी की साजिश है।, है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बस तुम यही करते रहना बेटा यही करते रहना दाल तुम्हारी पांच सौ रुपए किलो होने वाली है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं कश्मीर पाकिस्तान बनाने दीजिए क्या है ठीक है कोई बात नहीं अब हाँ। तो बात यह है कि भाई जो बंदा मार भी सकते हैं क्यों नहीं मार सकते जो बंदा एक दस बीस बंदों को मारना चाहता हो लोगों को लड़ाना चाहता हो एक बंदे की खातर पचास बंदे जाए या पूरा मुल्क में डिस्टर्ब हो जाए तो क्या वो यर, मारना यार मारना अल्टीमेट सोलूशन नहीं है ना उसके अलावा और मैं ये कह रहा हूँ कानूनी तहत फांसी जो भी सजाएं होती हैं वो करें ना अगर उस बंदे ने इतनी गलती की है मैं कौन सा कहता हूँ जाकर मारपुर के आज वापस तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो सबसे पहले तो वो खालिस्तानी की बात करेंगे मैं देख जैसे मेजर साहब ने कहा हमारे मीडिया हाउस वाले इनको बहुत ही कवरेज देते हैं कैमरे लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ मेजर साहब से कि उन लोगों को कवरेज ही नहीं देनी चाहिए ताकि और लोग भी उनके प्रव, उनसे प्रवोक हो के वो मूवमेंट ज्वाइन करें या कोई ऐसा बहुत कम पढ़ा लिखा हो और उसकी बातों में आ जाए तो उसमें भी वो जुड़ सकता है इसी कवरेज को देख देख कर और कई सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे लोगों को वो हीरो मान लेते हैं तो अगर उन लोगों को कवरेज ही नहीं मिलेगी तो फिर उन लोगों का काम ही कैसे चलेगा क्योंकि उन लोगों को पॉपुलरिटी और पैसे चाहिए उनको देश से या आम लोगों से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है तो फिर उनकी कवरेज ही बंद हो जाएगी तो वो अपने आप शान पड़ जाएगी और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि अब वो सैलरीज भी दे गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ को जैसे मेजर साहब ने कहा कि वहाँ के आर्मी और नेता लोगों की तो टाइम पे मिल जाएगी लेकिन जो आम सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के शायद हफ्ते या दस दिन के बाद मिलेंगे और उनके यहाँ के आर्मी की तो कभी भी फंडिंग रुकने वाली नहीं है सैलरीज भी नहीं रुकेंगी उनकी बजट में भी कमी नहीं आएगी क्योंकि देसी वो चलाते हैं उनकी मनमानी करते हैं तो फिर उनकी सैलरीज या बजट में कैसे कमी आएगी और जो हम जो रशिया की बात कर रहे थे वो तो हमारा सबसे पुराना दोस्त है जब हमें ने हथियार देने से मना किया था तो रशिया ही तो था जो हमें वेपन्स दे रहा था क्योंकि अमेरिका और ये सब तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे सेवेंटी वन की जंग में भी और पाकिस्तान की तरह हम कोई भीख मांग के थोड़ी उनसे लेने वाले थे हम तो पैसे देकर खरीदना चाहते थे फिर भी उन्होंने नहीं दिया रसिया ने हमारा साथ दिया था तो हम उनके साथ जब उनको ज़रूरत है तो हम कैसे उनके साथ आ, हमारे रिश्ते ख़राब कर लेंगे और वो भी फैस के कहने के लिए तो हम तो हमारी डिप्लोमेसी रशिया से भी रखेंगे और और भी देशों से रखेंगे पाकिस्तान की तरह एक देश से नहीं रखेंगे ना क्योंकि वो अगर चाइना की गोद में बैठा है तो बाकी दुनिया की उनको कोई परवाह नहीं होती है सिर्फ चाइना का ही वो देखेंगे लेकिन हमारी डिप्लोमेसी तो सभी के साथ अच्छी बना के रखने वाली है तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए